दीजिए, ऐसे हल्के सवाल उठा के हल्का जवाब दे देना, कुर्की नहीं होगी। अरे किसने कहा है कुर्की होगी इस चीज पे? कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल है वो ठीक करके बताइए मोदी जी, शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को ये बातें करते हुए। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। कहते हैं कि आप बताइए 6 महीने में कोई मंडी क्या अभी तक बंद हुई है? उत्तर है कि नहीं बंद हुई है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मोदी जी ये तो सवाल ही नहीं था, हम खुद कह रहे हैं कि मंडी अभी बंद नहीं होगी, हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां आएंगी, अभी तो प्राइवेट मंडी आई नहीं। 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर योगेंद्र यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना मंडी बंद हो रही है और ना ही MSP। इस भाषण पर योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हुए कई सवालों की बौछार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपको पता है हमारी सरकार किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब क्या बंद करें जी, बुरा ना मानना, आप जब जब किसी बात को ऐतिहासिक बोलते हैं तो डर लगता है। पहले ऐतिहासिक नोटबंदी, फिर कोरोना में देशबंदी, अब किसानों का क्या बंद करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो उन 3 ऐतिहासिक कानूनों की बात कर रहा था जो सरकार किसानों के लिए लेकर के आई थी। इस बात को लेकर योगेंद्र यादव कहते हैं, सुनिए योगेंद्र यादव को। कानून में लिखा है, पहले भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। लेकिन जमीन कैसे जाएगी मैं बताता हूँ। आपके कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी किसान से फसल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर कंपनी किसान से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकती है, और उसके लिए किसान की कुछ भी रिसोर्स लेने पड़े तो लिए जा सकते हैं, यानी कि अगर जमीन लेनी पड़े तो जमीन भी जा सकती है। ये रास्ता है मोदी जी, ऐसे हल्के सवाल उठा के हल्का जवाब दे देना, कुर्की नहीं होगी। अरे किसने कहा है कुर्की होगी इस चीज पे? कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल है वो ठीक करके बताइए मोदी जी, शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को ये बातें करते हुए। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है, और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। साथियों, एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसान की मर्जी पर है भाई। किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है, अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। वे तो विरोध करते हैं और विरोध उनकी आदत है। 7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं।
किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। ठीक है ब्रो, छोड़िए, आपके 50 साल पुराने सहयोगी अकाली दल ने इन कानूनों के खिलाफ आपका साथ क्यों छोड़ दिया? आपका अपना भारतीय किसान संघ इन कानूनों का समर्थन क्यों नहीं कर रहा? मोदी जी कहते हैं कि नासमझ हैं ये, इन कानूनों से आपको आजादी मिल जाएगी, जहां चाहो वहां अपनी फसल बेच सकते हो। यह आजादी तो मुझे पहले भी थी, गांव में बेचूं, मंडी में बेचूं, कहीं और ले जाकर के बेचूं, कहने को तो सारी आजादी थी, लेकिन मैं मंडी से दूर कहां जाऊं, कैसे जाऊं, दूसरा राज्य छोड़ूं, दूसरे जिले में भी जाना मेरे लिए महंगा पड़ता है, ऐसी आजादी का क्या करूं? इसलिए व्यवस्था की है, अब सरकारी मंडी में फसल बेचना जरूरी नहीं है, प्राइवेट मंडी भी खुलेगी। आप मंडी व्यवस्था सुधारो तो मेरे जैसे सब किसान आपके साथ हैं, लेकिन आप तो इससे बंद करने का इंतजाम कर रहे हैं। मंडी जाकर मैं शोर मचा लेता हूं, बात सुना लेता हूं, प्राइवेट मंडी में मेरी कौन सुनेगा? हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है, लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो, मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा, मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है, जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है, इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है, इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? कहते हैं कि आप बताइए, 6 महीने में कोई मंडी क्या अभी तक बंद हुई है? उत्तर है कि नहीं बंद हुई है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मोदी जी, ये तो सवाल ही नहीं था। हम खुद कह रहे हैं कि मंडी अभी बंद नहीं होगी, हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां आएंगी। अभी तो प्राइवेट मंडी आई नहीं, अभी तो इस कानून का ये वाला हिस्सा लागू ही नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइवेट मंडियां स्थापित करना, ये थोड़ी कि कल कानून लागू होगा आज प्राइवेट मंडी आ जाएगी। हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी आएगी तो पहले साल किसान को अच्छा दाम देगी, हम खुद कह रहे हैं कि 2 साल तक एपीएमसी चलेंगी,
हम कह रहे हैं 3-4 सीजन के बाद एपीएमसी बैठनी शुरू होंगी। तो ये मत पूछिए कि अभी पिछले 6 महीने में मंडी बंद हुई है कि नहीं, हम बता देते हैं कि नहीं बंद हुई। सवाल ये है कि जिस तरह का कानून आप लाए हैं उससे मंडियां बंद होंगी कि नहीं, इस सवाल का उत्तर दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये टफ सवाल है, खुद ही अपने पेपर सेट ना कीजिए। ये किसने कहा कि मंडी बंद कर रहे हैं, हम तो बस एक और विकल्प दे रहे हैं। सरकारी मंडी वैसे ही बंद होगी जैसे एक कंपनी के मोबाइल ने बाकी कंपनियों को बंद कर दिया। जब उसका मोबाइल शुरू हुआ तब कहा जितना मर्जी कॉल करो हमेशा फ्री रहेगा। पहले एक सीजन में किसान की फसल को महंगा लिया जाएगा, दूसरी फसल में और, इतने में सरकारी मंडी बैठ जाएगी, आरती वहां दुकान बंद कर देंगे, फिर प्राइवेट मंडी वाले 500 रुपया कम भी देंगे तब भी मजबूरी में किसान को वहीं जाकर के अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। योगेंद्र यादव कहते हैं, मैंने बार बार बोला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। MSP हम पहले से ही तय कर लेते हैं, भरोसा अब भी करने को तैयार हूँ, बस आप लिख करके दे दीजिएगा। और शायद मोदी जी को ये नहीं पता है कि MSP को लेकर के जो चीज़ें चलती हैं उसको लेकर के शायद। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था, कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? तो कांग्रेस ने तो बुरा किया, अब मुझे बताओ आपने क्या किया? बार बार अगर यही कहोगे उसने ये किया उसने ये किया, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे उसको कान से पकड़ के उतार दिया आपको भी उतार दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हुए आप उत्तर प्रदेश भूल गए, आप खुद भी वहां जाते थे, आप जाके कहते थे आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुंह से वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा, क्या आपने कर दिया? जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में धोखा हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वही आपने उत्तर प्रदेश में किया, आप क्या बोल रहे हो इसके बारे में? तीसरा वो कहते हैं कि